बिहार की सियासत पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को इस्तीफा सौंपा है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपने के बाद कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मौजूदा सरकार समाप्त करने का फैसला पार्टी सदस्यों की राय के बाद इस्तीफा लिया। आज हम आरजेडी से अलग हो गए, गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी, अब मैं नए गठबंधन में जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने तमाम बातें कही हैं। इस्तीफा सौंपने के पश्चात मीडिया से मुखातिब हुए और जानकारी दी है। चलिए एक बार फिर सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार। आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अभी जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा। अभी वेट करिए, कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिए आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन ली। तो देखिए नीतीश कुमार को आपने सुना और उन्होंने कहा है कि आज सब लोग रहेंगे, सुन लीजिएगा आज क्या होता है, यानी कि अब किस के साथ गठबंधन कर रहे हैं ये तो उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है, पर संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि जिनके साथ पहले थे, जिन पार्टियों के साथ, एक बार वो लोग फिर आएंगे और फिर आप देखिएगा कि आखिरकार क्या होता है। यही यानी कि सीधा सीधा ये माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ पुनः गठबंधन अब जेडीयू का होने जा रहा है। ये तस्वीर जब राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिले नीतीश कुमार और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, इस इस्तीफे के साथ ही जो सरकार बनी थी गठबंधन की वो भी अब समाप्त हुई है। इंतजार रहेगा कि आखिरकार अब कब पुनः शपथ लेते हैं और गठबंधन अब क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि देखिए बिहार के सियासी समीकरण को समझना होगा आपको। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से भाजपा के पास 78 है और जेडीयू के पास 45 सीटें, और ऐसे में ये गठबंधन अगर होता है तो 123 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, ये साफ कर दिया है नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपने के बाद कि जिनके साथ पहले थे उनके साथ पुनः मिलेंगे, अब क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि कल तस्वीर भी आ गई थी जब उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे, क्या एक बार फिर पुराने गठबंधन की ओर जा रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए बिल्कुल जा नहीं है, अब तो चले गए हैं, इस्तीफा हो गया राजभवन में, राजभवन में इस्तीफा दे दिया है और अब देखिए नई सरकार जो है बिहार में एनडीए की सरकार वो बनने जा रही है। थोड़ी देर में बीजेपी के विधायक जो है वो पहुंचेंगे
पीएम हाउस, वहां नीतीश कुमार से मुलाकात होगी और उसके बाद जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। आज शाम में शपथ भी ले रहा है नीतीश कुमार को, बिहार में नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और साथ में इस बार महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार होने वाली है, यानी कि बीजेपी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में सरकार चलाएंगे। और साफ तौर पे अभी कहा है कि महागठबंधन के में काम करना मुश्किल हो रहा था, आरजेडी के लोग काम ठीक तरीके से कर नहीं रहे थे, इंडिया गठबंधन मैंने बनाया सूत्रधार रहा लेकिन काम तेजी से नहीं हुआ, किसी ने सहयोग नहीं किया, इसलिए एक बार फिर से मैंने पाला बदल लिया है और एनडीए के साथ एक बार फिर से सरकार चलाएंगे बिहार में। तो बिल्कुल बिहार में सरकार जो है वो अब बदल गई है और नीतीश कुमार के साथ जो है अब बीजेपी रहेगी, यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में अब चलेगी। अस्मित, तो यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के लिए भी ये बड़ा झटका, क्योंकि जब इंडिया अलायंस की बात उठी थी तो सबसे पहले पीएम पद के दावेदार के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आता था और फिर जब बैठकें लगातार हुई तो नाम की पेशकश जिस तरह से ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया था, तो क्या इसे जोड़कर भी देखा जाए, क्या इंडिया अलायंस में उन्हें वो भूमिका नहीं मिल पा रही थी जो चाहते थे, इसी वजह से भी इस फैसले को जोड़कर देखा जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी ही इसकी वजह है? नहीं, बिल्कुल इंडिया गठबंधन भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने लगातार वो कई राज्य गए, वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, एकजुट होने के लिए कहा, लेकिन काम नहीं हुआ। दरअसल 2019 में भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जो करिश्मा किया था वह परिणाम इस बार नहीं आता, ये नीतीश कुमार जान रहे थे। पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आ गई थी और इसलिए नीतीश को समझ में आ गया था कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जीत की संभावना है तो इसमें पार्टी को किसी तरह की कोई हर्ज की बात नहीं है। और देखिए जिसकी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ तेजी से बढ़ा है वह भी नीतीश को खींच रहा था और यही सब ऐसी बातें थी जो लगातार सामने आ रही थी। और नीतीश कुमार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, उनके मंत्री काम नहीं कर पा रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई और उनके विधायक उनके मंत्री ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग होने के लिए राय दी और सभी ने एकजुट होकर के नीतीश कुमार को कहा कि आप एनडीए के साथ आए, बीजेपी के साथ आए। और एक बार फिर से यही देखने को मिला जब आज फिर से दोपहर में 3 बजे आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। 3 बजे पटना पहुंच जाएंगे और 4 बजे के लगभग जो है राजभवन के राजेंद्र मंडपम में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अस्मित, ये भी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम लगाए जाएंगे, जिस फॉर्मूले पे बीजेपी अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिन भी राज्यों में इस बार बीजेपी सत्ता में आई विधानसभा चुनाव में वहां 2 डेप्यूटी सीएम लगाए गए, यानी कि माने कि अब बिहार में भी 2 डेप्यूटी सीएम लगाए जाएंगे और वो कोई ऐसे नेता होंगे जिनकी नीतीश कुमार के साथ अच्छी ट्विनिंग है। देखिए नीतीश कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में 2 डिप्यूटी सीएम की मांग बीजेपी ने की है, लेकिन अगर 1 डिप्यूटी सीएम बनते हैं तो वो सुशील कुमार मोदी होंगे, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के जो तालमेल रहे हैं, पहले उन्होंने काम किया है नीतीश कुमार के साथ, वो तालमेल बहुत अच्छे थे। नीतीश कुमार जब एनडीए में हुआ करते थे पहले तो वो कहते भी रहे थे कि सुशील मोदी के साथ काम करना बहुत स्मूथली काम होता है बिहार में, लेकिन अब देखिए अगर 2 डिप्यूटी सीएम बिहार में बनाए जाते हैं तो एक तो सबसे पहला नाम आ रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री रही है बिहार की रेणु देवी, उनका नाम आ रहा है और दूसरा नाम तारकिशोर प्रसाद का आ रहा है, वो पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार की, तो दो बनते हैं तो ये दोनों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन एक और नाम अब सामने आ रहा है चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी नाम जोरों पर है कि उन्हें भी हो सकता है तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है बिहार में, लेकिन देखना होगा थोड़ा स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अब उसी के काम होगा, बीजेपी के विधायक सीएम हाउस जाएंगे वहां पर पूरा स्वरूप तैयार होगा, कौन से मंत्री बनाए जाएंगे इस कैबिनेट में, किन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन ये तो लगभग तय है कि आज मुख्यमंत्री के साथ बिहार के 2 डिप्टी सीएम या फिर बिहार के डिप्टी सीएम जो है शपथ लेने वाले हैं। अस्मित, एक और आप जानकारी दीजिएगा और इस बात को साफ कीजिएगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार इस्तीफा तो सौंप चुके हैं, उन्होंने कहा कि अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इसी बीच हम
अगर देखें आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी के पास भी 70 के करीब का आंकड़ा है, कांग्रेस के पास 19 है, फिर एएमआई एमआईएम पार्टी के अलावा जो अन्य जो निर्दलीय पार्टी है उन सबका गणित भी मिला लें तो भी 116 के आसपास सीटें बनती है। और फिर अगर बाकी पार्टियों को भी देखें तो क्या सेंधमारी की जो बात हो रही थी कि जेडीयू में सेंधमारी होना मुश्किल होगा आरजेडी की, यानी कि ये समीकरण अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, अब बिहार की राजनीति में इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बिल्कुल, देखिए हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार कल आरजेडी के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई थी, लालू यादव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और लालू यादव ने साफ कह दिया है अपने विधायकों को, अपने नेताओं को कि देखिए अब सरकार को, यानी कि एनडीए की सरकार, अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जा रहा है तो उन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश ना करें, अगर सरकार बन रही है तो बनने दिया जाए, हम कुछ तोड़ मोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे तेजस्वी यादव विधानसभा में और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। यानी कि पहली जो खबर मिल रही थी कि लालू यादव लगातार जेडीयू के नेताओं से, यानी कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ना चाहते थे, लेकिन अब रात को ये खबर मिली है कि आरजेडी प्रमुख ने अपने सभी नेताओं को स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिया है कि कोई भी ठीक है। स्मित, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं है और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। नुकसान तो आपको भी हुआ सरकार में, आप भी थे, आपकी भी सरकार चली गई। भाई देखिए, हमें सरकार सत्ता की नहीं, हमें जनता की चिंता है और 15 महीने में जो जनता के लिए काम किया, जो विश्वास तेजस्वी यादव जी ने जीता, हम अभी 78 पर हैं, हम 150-200 के पार जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमको मजबूर किया गया, आखिर क्यों आप लोग मजबूर किए कि फिर एक बार उधर चले गए? देखिए, कहने के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन जनता, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक जनता के सामने सब लोगों को अपना हिसाब देना पड़ता है, पाई पाई का हिसाब आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। कल तक जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में महिलाओं का अपमान और क्या क्या नहीं कहा, और आज बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा कि सत्ता के लिए जो भूख है वो दिख रहा है। एक अयोध्या में और देखिए अब प्रतिक्रिया लगातार आ रही है आरजेडी की तरफ से भी, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा है कि पाई पाई का जवाब देना पड़ेगा।